एक दोस्त दूसरे दोस्त की खातिर अपनी जान दांव पर लगा देता है, मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। वहीं दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। ये लाइन थाना नागल के क्षेत्र ताजपुर रोड पर हुए बुधवार की रात्रि को जघन्य हत्याकांड पर सटीक बैठती है, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। घटना का सनसनीखेज खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। जारी प्रेस नोट व पुलिस लाइन आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी देहात सागर जैन से मिली जानकारी के अनुसार पिंकी पुत्र सोम सिंह निवासी ग्राम ताजपुर थाना नागल ने अपने पुत्र की हत्या में पड़ोसी गांव फतेहपुर निवासी ओम सिंह, ललित, पिंटू, सचिन, विनेश व मोनी के खिलाफ वादी के पुत्र गौरव की गला रेत कर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जी, 22 मई की देर रात्रि थाना नागल पर सूचना प्राप्त होती है कि एक ताजपुर वाले जाने वाले रास्ते पर एक सुनसान सड़क पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है और उसके गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान है और उसकी बाइक भी वहां मौके पर पड़ी हुई है। ये सूचना पर तत्काल थाना नागल की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, साथ ही फील्ड यूनिट एवं मेरे द्वारा और सीओ देवबंद द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। जानकारी करने पर युवक की जो है शिनाख्त होती है, पास ही के गांव ताजपुर का वह रहने वाला है। इसके परिजनों से जब संपर्क किया जाता है तो परिजनों द्वारा देर रात्रि में एक लिखित तहरीर दी जाती है, जिसके आधार पर 302 आईपीसी का मुकदमा 6 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया जाता है। ये जो 6 लोग नामजद अभियुक्त हैं, ये परिवारजन शक के आधार पर इनका नाम नामजद किया है इन्हें, और ये वो लोग हैं, इनके परिवार की एक युवती है जिसका मृतक के साथ दिवाली के आसपास बीती दिवाली के आसपास रिश्ता तय हुआ था। बाद में वो रिश्ता टूट गया था और दोनों परिवारों के बीच में कहासुनी हुई थी। इसी के शक के आधार पर ये मुकदमा उन्होंने पंजीकृत कराया था। इस मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।